अभी रेत लेकर आए और उसके ऊपर देखें कैसे शौक से बैठ गया, जबरदस्त हो गया सोने। हे बुराइयां की, मैं सही गल करता पे, मैं गलत कीता है। दिल तो बहुत हल्का हो गया। मैंने जनाब कुछ गलत कहा है? अगर कुछ गलत बोला तो आप बताएं। तो जब माँ को परवाह नहीं तो बंदा बाप फिर क्या कर सकता है? उनको 100 बार समझाया कि इसको जल्दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत ही बड़ी परेशानी थी, जो हमारी हल हो गई है। तो अल्लाह किया है सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह आगे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अभी सुबह का टाइम है। इसी के साथ जो हमारे चैनल के साथ न्यू अटैच हो रहे हैं जनाब, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे नमूने आपस में पहुँचते रहें। अभी माशाल्लाह जी हमारे अनार जो है ना, उन्होंने जनाब फूल वगैरह ले लिए, लेकिन देखते हैं अनार इन तक पहुँचते भी हैं या नहीं। नहीं नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये अनार हो रहा है। ओ तेरी खैर, ये तो गिर रहे हैं यार, हाथ लगाने से गिर रहे हैं, ये तो काम ख़राब है। मुझे लगता है इनको कोई बीमारी वगैरह है। सिर्फ हाथ लगाया मैंने, नॉर्मल सा हाथ लगाया तो ये देखें ये गिर गया है। हमने तो सोचा था कि शायद माशाल्लाह अनार लगे हुए खाएंगे, लेकिन ये किस तरह का ये हिसाब लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे। बाकी फ़िलहाल भाई आएंगे ना, उनसे मशवरा करेंगे कि इनको कोई स्प्रे वगैरह या इस तरह कुछ करना पड़ेगा, फिर जाकर ये सेट होंगे। वरना ये आपने देखा ना, सिर्फ ऐसे उंगली लगाई है, गिर गया है। ये नीचे देखें, नीचे भी गिरे हुए हैं। चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह, इनका कोई हिसाब लगाते हैं। इस करने के बाद जनाब ये जो सब कुछ है ना, इनको जनाब बाहर फेंकना है। जैसे कि आप सब पता है, कल शाम को हमने ये सब कुछ क्लियर किया था, लेकिन आज इनको बाहर फेंकेंगे और यहाँ से अच्छी खासी सफाई जो करने वाली ना, वो सारी सफाई करेंगे। देख रहे हैं कचरा ही कचरा है। फिलहाल सबसे पहले करा से मिलते हैं, तो वो नाश्ते में आज क्या हमें खिला रही है देख लिए, पता थी मैंने। तरह लगता है चीनी जो है ना वो गिरा दी है। बंद किया था लेकिन वो अच्छे से हुआ नहीं, तो हार्ट से छूट गया, तो थोड़ी सी चीनी गिर गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ी सी गिरी है। नाश्ता की करा रहे आज नाश्ते में, पहले सबसे पहले तो मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ, उसके बाद आपके लिए रोटी तैयार हो रही। चलो ये बात भी, रात का सालन पड़ा हुआ है, आलू अंडा कल बनाया था हमने दोपहर को, तो उसी से मतलब काम चलाएंगे, बाकी देखा जाएगा। और ये जना अभी तक सो रहे हैं, इनको मैंने 2 बार जगाया कि उठ जा उठ जा सोनिया उठ जा, की राती ला के सोना है, की खा के सोना है, तेन सुबह तक बारिश होती भी बाहर कोई काम कुम कर लिए, उठ जा, ना कोई नमाज ना रोजा ना ओरा बरा प्यारा ना टाइम। अभी 8 तकरीबन बजने वाले हैं, और 8 बजे जो गर्मियों के 8 होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अभी तक माशाल्लाह सोए हुए हैं। ये माँ जो होती है ना, माँ ही सब कुछ करती है बच्चों को, मतलब जो भी परवरिश देनी होती है वही उसका हिसाब सब ज़्यादा होता है, बाप तो मतलब एक साइड पर ही होता है। तो जब माँ को परवाह नहीं तो बंदा बाप फिर क्या कर सकता है? उनको 100 बार समझाया कि इसको जल्दी उठाया करें, जल्दी मतलब सब कुछ है, बच्चे के लिए वैसे भी जल्दी उठना बेहतर होता है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, उसको नहीं परवाह, तो हमें भी कोई परवाह नहीं है, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। हमने जनाब अपने मोती को नाश्ता दे दिया था, सुबह ही दे दिया था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी भूख लग जाती है। जब इसको भूख लगती है ना, ये फिर काऊँ 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 काऊँ, इसकी फिर मोती बंद नहीं होती, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, फिर महसूस होता है ना हमें भी कि इनको भूख लगी। फिर दूध रात का बचा होता थोड़ा बहुत, इनकी रखते हैं स्पेशल, क्योंकि भैंस थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो फिर इनको वो देते हैं और साथ में रोटी वगैरह हो जाती है, फिर इनका नाश्ता हो जाता है। तक मुझे लग रहा है इसको थोड़ी बहुत ना खारिश का मसला हो गया है, आज या कल जो है ना इनको देखें, इनको नहलाएंगे ताकि इसकी खारिश का मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ये मुर्गा जो है ना, ये हमारा थोड़ा सा बीमार है, बाकी तकरीबन काफ़ी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन इसकी कोई समझ नहीं आ रही, ये ना तो चल सकता है और ना सही तरह खा रहा है, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। शुक्र है तुहाडी अख खुल गई है, तो एहसान है जी तुहाडा, तेरा भी एहसान है, तेरी माँ का भी एहसान है साढ़े ते, मेहरबानी। माशाल्लाह जी पहली रोटी जो है ना वो ऊपर डाल दी तवे के ऊपर, और साथ में जनाब देसी घी लगा रही है, एक तेरा बरकत, 2 पेड़े बन गए हैं, इतना आटा हमने गूंदा हुआ है, क्या बात है, मेहरबानी, क्या बात ही होनी चाहिए, अच्छी बात है। सुबह सुबह मेरी बुराइयां कर ली, बुराइयां की, मैं सही गल करता पे, मैं गलत कीता है, दिल तो बहुत हल्का हो गया। मैंने जनाब कुछ गलत कहा है? अगर कुछ गलत बोला तो आप बताएं। कोई नहीं, सही, मैं इस औरत को कई बार बोला है कि उसको जल्दी उठा दिया करें, ऐसा नहीं कि काम के लिए जल्दी उठा दिया करें, मैं उसको कहता हूँ वैसे जल्दी उठा करें, लेकिन वो ना उसको असर है ना इसको असर है, तो फिर मैं तो पता ही आहो, तो फिर मैं क्या बंदा जबरदस्ती है किसी के ऊपर आके जता रहे, मैं ठीक है उठाने का तरीका भी तो होता है, इसके उठाना होता है, तैयार बैठ जा तैयार बैठ जा, बस एक आवाज दी बाहर, फिर 2 मिनट बाद तैयार बैठ जा, एक आवाज दी बाहर, इस तरह बच्चे नहीं उठते, बच्चे तरीके ना उठाना पाता है, बच्चे उठाना
नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है, गरम गरम रोटियां, इसलिए मैं थोड़ी सी बिखेर दी ताकि ठंडी हो जाए। बंद कर, बंद कर। तो साथ में दही है, सालन जो बताया था, और साथ में चीनी, लस्सी भी हमने बनाई नहीं। लस्सी हम थोड़ा लेट बनाते हैं इसलिए लस्सी नहीं है सुबह के टाइम, वैसे सुबह के टाइम लस्सी होनी चाहिए। बाकी कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, कल सबसे पहले लस्सी बनेगी, इसके बाद फिर दूसरे काम है इंशाल्लाह। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तैयार का तो नाश्ता अलग है भाई, उन्हें आजकल वो क्या कहते हैं साबूदाना, क्या कहते हैं दलिया, दलिया वो खा रही है, लेकिन ये हमारे लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और तारा बरकत भी आ गई है अपना नाश्ता लेकर। नाश्ते हमारे पास आज दही है, दही के साथ सालन है, सालन के साथ पानी है, और चीनी है, रोटी है, परौठे हैं, लस्सी नहीं है। लस्सी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे सुबह फास्ट टाइम के, मतलब नाश्ते के साथ लस्सी होनी चाहिए, क्योंकि लस्सी जो होती है ना नाश्ते के साथ ही सही लगती है ज़्यादातर, लेकिन पीते तो लोग वैसे भी हैं शाम को भी, दिन को भी, दोपहर को भी। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना इसका, अक्सर आपने शहरों में देखा है, शहर वाले देखते हैं बल्कि सुबह सुबह लस्सी जना मिलती है, दोपहर को भी खत्म हो जाती है, शाम को भी खाते थे। कल से इंशाल्लाह ये सबसे पहले लस्सी, उसके बाद उसके काम। चलो जी वैसा शुरू करो। लस्सी ठंडे पानी से बनती है, ठंडा पानी ना हो तो फिर लस्सी सुबह सुबह नहीं बनती। अच्छा, तो ठंडा पानी जनाब दोपहर को, फिर मतलब काफी बर्फबारी होती है ना, इसलिए फिर दोपहर को पानी ठंडा हो जाता है, फिर उसके साथ बर्फ बन जाती है ना, तो बर्फ बंदा ले आता है, बर्फबारी हो तो फिर नहीं बर्फ आती, मतलब कि आप बर्फ तो यहाँ नहीं लेना, पानी ना हो सुबह सुबह की करा आज जान बोझ के लड़ाई जाना हो जाए, सुबह ना शुरू हो जाए मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं आज जीना आराम कर देना, जीना आराम कर देना, तो मैं जेकड़ा जीना हलाल कर रहे हैं। हाँ जी, नाश्ता हमारा जनाब रेडी, रेडी नहीं हो गया बल्कि खा लिया हमने, तो अभी चारा वगैरह पे साफ कर लगाते हैं, क्योंकि बारिश आने के इम्कान काफी ज्यादा बन गए, और ये जो हिसाब का बाहर दिखाया ना आपको सफाई वाला, वो सबसे पहले करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काम। खा ला आलू बस। खा ला मैंने तो जी पेट भर देता। चलो अच्छी बात है, ये रोज आपके बरता रहे ना तो सीधे हो जाओ सारे, सोच पे आने बड़े पैने कुछ कह रहे हैं जी। काफी ज्यादा कमेंट आए हुए थे कि आप अपने गौरी को ना बांध के रखे, तो इसलिए हमने उसके लिए स्पेशल किए जंजीरी और पटा जो जी जना घुंगरियों वाली घुंगरियों वाले बन, वो भी अंडे नहीं लगता, पर पता लग गया कि मेन बन अंडे बन बन थोड़ा टाइट कर लो, और के सही सही है ना, देखियो ना कड़ा ना जावे, नहीं आ जा, वाह शेरा वाह, वाह मोतियाँ वाले वाह। अभी हमने जनाब इनको यहाँ पर बांध दिए, और इनके लिए ना थोड़े बहुत रेत जो है ना वो यहाँ पर रखते हैं, ताकि एक बंडल और एक बंडल कर रहा हूँ एक बट्ठल जो है ना तांबिया, वो मतलब इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये रेत का, रेत के ऊपर ना बड़े सुकून से सोते हैं, ऊपर पानी डाल देंगे ना रेत के ऊपर तो ज़बरदस्त रह जाएगा। अभी रेत लेकर आए और उसके ऊपर देखें कैसे शौक से बैठ गया, ज़बरदस्त हो गया सोने, रेत पकड़ ली नाले ही, ठंडी रेत बैठा कि नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सबसे बड़ी परेशानी थी कि हमें कोई काम वाली मिल जाती, ताकि ये घर के थोड़े बहुत जो भी काम है ना ये हो जाते, क्योंकि हमसे ये जानवरों के हिसाब किताब बड़े मुश्किल से लगता है, तो ये घर का ये काम का झाड़ू देना, आटा, बर्तन, कपड़े वाश करना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि तो पता है आप लोगों को बताया से आप काम होता नहीं है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मेहनत मशक्कत करने के बाद ना हमें कामयाबी मिल गई है। हाँ जी, थोड़ी देर पहले भाभी और बड़ी सिस्टर की कॉल आई थी, तो उन्होंने बताया कि आपके लिए एक जो है ना काम वाली ढूंढ दिए, तो वो इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर आपके यहाँ उसको लेकर आएंगे, जो भी काम होगा वो उसको आप बता देना, तो आप भी उनसे बात वगैरह कर लेना, जो भी बात करनी हो, तो फिर वो हो सकता है यकम तक या यकम से पहले ही आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो पहले कहीं और भी काम कर रही है, अगर उधर से वो क्लियर जल्दी कर लेती तो फिर वो आएगी, तो इंशाल्लाह कल वो उसको लेकर आएंगे, तो बात जो भी होगी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, काम हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, हफ्ते के बाद मतलब कपड़े वाश करने, तो डेली झाड़ू बर्तन वाश करने, बस यही है, बाकी आटा गूंदना शायद, और रोटी शायद तारा बना लेगी खुद, वरना वो खुद बना लेगी, मतलब ये छोटे मोटे काम, इतने बड़े काम नहीं, तो बाकी देखते हैं क्या करना क्या नहीं। अब कल या परसों तक वो आएगी ना, तो फिर इंटरव्यू वगैरह लेंगे हम, बड़ी जॉब दे रखी है, तले दा पत्र नौकरानी है, नौकर होने रहे ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर उसके बाद हम सोचेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे इसको रखेंगे या नहीं।
इतनी बड़ी हवेली है तो इतनी बड़ी हवेली के ऊपर एक सुपरवाइज करने वाला कोई होना चाहिए। हां जी मैनेजर होने चाहिए और थले फिर सुपरवाइजर होने चाहिए ने और थले होने बाकी को अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। आज जनाब आ जाओ। अभी जनाब हमने तो नाश्ता कर लिया लेकिन जानवरों को नाश्ता करवाने वाला है, उसके लिए हिसाब किताब लगाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर के नज़ारे, ऊपर बादल चेक करें कितने बादल हैं और ज़बरदस्त लग रहे हैं। धूप नहीं है, हवा भी नहीं है, धूप भी नहीं है, मतलब कि नॉर्मल सा मौसम है और तकरीबन अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ से थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हो जाए ना माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा हो जी। हवा तो नहीं चली, धूप सीधी आ गई है। मुझे पता था वैसा आप लेट उठेंगे, इससे पहले कि धूप निकल आती मैंने ना चारा वगैरह तकरीबन काट लिया था। शायद एक दो सथरियाँ जो है ना इस तरह की, ये सथरियाँ बोलते हैं ये इतनी और काटनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ क्लियर है। ऐसे विचार पर कर ला क्या ये जनाब सांप ने अपनी जिल्द जो क्या बोलते केचली केचली काफी लंबी है, यहाँ से लेकर ऐसे तक आगे तक है, ये देख इतनी लंबी है और यहाँ इसका मतलब सांप है। कोई नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह सांप को है वैसे, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। माशाल्लाह जी बंडल हमारा रेडी हो गया, गांड बांध दिए, अब वैसा उठाएंगे आप। वैसा आजकल बहुत ताकतवर बंदे हैं तो मैं चाहता हूँ कि खुद आप उठाया करें ताकि इसकी बॉडी शॉडी इस तरह का हिसाब का बने, लेकिन ये मेरी बात मानता नहीं है, बाकी ट्राई करते हैं आप। चलो उठाओ नहीं डर नहीं है अच्छा जी चलो फिलहाल हम उठाते हैं खुद। ओए बहुत बदनी है जनाब, बहुत ज्यादा बदनी है। मैं साहब वो वाला उठा लें बकरी के लिए और मैं ये ले जाता हूँ। ओके अभी ये पड़ा हुआ ये बकरियों के लिए लेकर जाते हैं। तो जी देखे पापा के साथ प्रैंक हो गया, पापा ने आगे से दरवाजा बंद कर दिया और पापा जो है ना वो सिर पर उनके ना वजन है काफी ज्यादा। अच्छा नहीं बोलता उठाओ के खाओ खाओ दिमाग खराब किया मैं होर पांच मिनट नू खाना तू ना आंदा अच्छा बोल ठीक है ड्रामेबाजी की रखता हर टाइम। अभी चारा वगैरह ले आए हैं तो इनकी थोड़ी ट्यूनिंग भी हो चुकी है, अब कुछ बेहतर दिन गुजर जाएगा। तो ये काम जो रह गया इसको करते हैं, ये सारे उठा कर बाहर रखते हैं और फिर सेन की सफाई करते हैं। सारा काम तो यही करते हैं, तो जो काम होता है ना वो आधे मिनट का या एक मिनट का नहीं होता, वो घंटे डेढ़ पंद्रह बीस आधे घंटे का होता है, उसके बाद वो मैं ही करता हूँ। ठीक हो गया, बाकी मर्जी आप लोगों की, क्या कह सकते हैं। वो सिर्फ तेरी तारीफ करिए तो फिर तू ही गल कर, अपने मुंह में भी टुना पड़े तू भी ना करो, मैं तो जबरदस्ती करानी करेगा तेरी को, करदा ही नहीं काम तो फिर एवे है फिर करदा ही नहीं। ठीक है मुने ना करदा ना बस ठीक है हुन तू ही करोगे टेंशन ना लो। चलो जी माशाल्लाह सारी हो गई, अभी करके मैं बैठा हूं। अब ऐसे ना समझिएगा कि उन्होंने किए सब कुछ, अभी करके बैठा हूं मैं। हां जी थक गया करके दस ने कहा कि तो था माशाल्लाह जी दोपहर हो गई, दोपहर के खाने में हम क्या बना रहे हैं वो आपको दिखाते हैं।
अभी जी हम दोपहर के खाने में चावल बना रहे हैं, आलू वाले चावल। पुलाव काफी दिन हो गया था, अर्शद साहब ने जो इतना रौला डाला हुआ था कि मैंने इतने दिनों से चावल ही नहीं खाया। ये लो रवैया साहब बना रहे हैं रायता, साथ में दही में हम मिर्चें और धनिया वगैरह कूट कर डालते हैं और साथ में खीरा होगा, तो क्या बात है दोपहर के खाने। वैसे भी गर्मियों में ऐसी चीजें हो ना, गर्मियों के मौसम में रायता जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है साथ में, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो। फिर से वास्ते साड़ी आदि मार जाते से बुझाओ जाना है दही लांदी है कोई नहीं, वो अब रखे जो अचानक जो बने हैं ये आप लोगों का इनका प्रोग्राम ही अचानक बनता है, जब बनाने हो मुझे बता दिया करें, मैं दही रख लिया करूं। यस साथ में जो है ना खीरा वो बना लेते हैं। वैसा अकेले लगे हुए हैं, मैंने कहा थक ना जाए, तो पहले बेचारा बड़ा थक जाता है। मुझे कहता है तीन दिन हो गए, कह रहा है अम्मी मुझे बुखार हो रहा है, अम्मी मुझे बुखार हो रहा है। क्यों वैसा? हाँ जी कुछ नहीं। क्या चावल हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह देखे दम पे आ गए हैं, अभी इनको दम लगाते हैं, बस दो मिनट और। तो जी रायता जो है ना वो माशाल्लाह से मैं ना आज अपने एक्सपीरियंस करके बना रहा हूँ। मैंने डाल दिए हैं काली मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाल दी है, सूखा धनिया डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया और इसमें अब खीरा जाएगा। फिर बाद में ये जो कुटी हुई मिर्ची है ना ये इसमें ऐड करेंगे और कहाँ कहाँ से धुएं निकलेंगे। तैयार हो रहे हैं जी माशाल्लाह, शाम हो चुकी है, इस वीडियो का यहीं पर एंड करने लगे जिंदगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी सोनी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बन अपना ख्याल रखे, अपने दोस्तों का ख्याल रखे, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।